हेलो एवरीवन, वेलकम टू चार। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में इन तक बने रहिएगा। फिर आज के हम लोग देखेंगे कि बिना चकले बेलन की कैसे फटाफट से पूड़ियाँ बना लेंगे। ये जो कि आपने पहले आज से पहले कभी नहीं देखा होगा, तो वीडियो में बने रहिए। कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड चैनल पर नया है तो ज्वाइन भी कर लीजिएगा। दोस्तों आज की जो मेरी पहली टिप्स है वो है इस तरीके से बैंगन से रिलेटेड। अक्सर लोगों को बैंगन की सब्जियां बहुत कम पसंद आती है क्योंकि इसमें जो है ना किसी किसी को कड़वापन लगता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर एक ट्रिक करेंगे तो आपका सब्जियाँ बहुत ही अच्छी बनेगी और ये कसकसाहट भी नहीं लगेगी और ये बहुत ही अच्छी लगेगी। आपको क्या करना है, जब भी बैंगन बनाते हैं ना उसे 10 मिनट पहले काट करके पानी में इस तरीके से डाल दीजिए और इसमें थोड़ी नमक ऐड कर दीजिए। इससे क्या हुआ कि इसमें जितने भी कसावट है ना, कड़वापन है, वो सारे निकल जाते हैं। देखिए इसके पानी कितने ज़्यादा काले हो जाते हैं। अब 10 मिनट के बाद जो है दूसरे पानी से धो के इसकी सब्जियाँ बनाइए, बहुत ही अच्छी लगती है। आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा, अच्छी लगती है लाइक भी जरूर कीजिएगा। मैंने एक ऑर्गेनाइजर बनाया है जो हमारे नारियल खाने के बाद जो छिलके बचते हैं ना, ये देखिए इसको मैंने एक होल जो इस तरीके से खोल दिया है मैंने। अब ये मैं हमेशा अपने पास में ही रखती हूँ, मेरा फ्री में ही ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो गया। अब देखिए मेरे डब्बे में ना तेल ख़त्म हो गया था तो मैं इसमें डाल रही थी, तो सोचा आप लोग के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। इसी तरीके से आपको टिका देना है, ये देखिए दोस्तों इस तरीके से इसे टिका देना है। सोच रहे होंगे गिरेगा, बिल्कुल भी गिरता नहीं है, बड़े ही आराम से ये टिके रहेगा। अब देखिए इसमें तेल डालना कितना ईजी है, छोटे मुँह में तेल डालना थोड़ा मुश्किल लगता है ना, लेकिन आप इस तरीके से आप आराम से डाल सकते हो तेल। देखिए कितने अच्छे से जा रहा है ना, तो है ना एक कमाल के आइडिए। कैसा लगा आपको ये जरूर बताइएगा। आप लोग भी अपने घर में इस तरीके से ऑर्गेनाइजर रखिए और फ्री में ही ये जुगाड़ हो जाता है। अब आप बेफिक्र होकर किसी भी अगर हाथ भी हिलता है ना आपको तेल डालने में, इस तरीके से आराम से इसमें डाल सकते हो। देखिए बाहर बिल्कुल भी नहीं जाती है और बड़े ही आराम से इसमें तेल चली जाती है, बड़े कहीं भी नहीं गिरा है दोस्तों, आप लोग ध्यान से देख सकते हो। अगली जो टिप्स है फ्रेंड्स वो है इस तरीके से, जब भी हम लोग आटे लगाते हैं, पूड़ियाँ वगैरह बनाना हो, पराठे बनाना हो, तो इसमें हम लोग मोयन डालते हैं। तो आप क्या कीजिए दोस्तों इस तरीके, जब भी हम लोग तेल ट्रांसफ़र करते हैं ना बॉटल में, इस जो पाउच है ना इसे ढालने के बाद ऐसे ही फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों इसे फेंकने से पहले एक बार ज़रूर सोचिए और देखिए वीडियो क्या करना है। दोस्तों इस तरीके से आप इसे पूरा मुँह को इस तरीके से कट कर दीजिए। अब दोस्तों हम लोग तेल ढाल लेते हैं, फिर भी इसमें बहुत सारी तेल जो है इसमें जमी रह जाती है और बैठी हुई रह जाती है, अपने ध्यान से देखा होगा। देखिए कितनी ज़्यादा तेल जो है इसमें, कितना भी आप बूंद बूंद ढाल लेंगे ना फिर भी इसके तले में जो है बहुत ही ज़्यादा तेल बैठी हुई रह जाती है, जो कि हमारा ऐसे ही वेस्ट चला जाता है। अब जैसे देखिए इतना हमें पूड़ियाँ के लिए आटा चाहिए ना, आप क्या कीजिए इस तरीके से आटे को ना इसमें डाल दीजिए, जितने भी तेल होंगे ना, जो भी चाहे सरसों तेल वाला पैकेट हो या फॉर्चून वाले, उन सब में आप इस तरीके से कर सकते हो। देखिए कितनी ज़्यादा तेल जो है इसमें अभी भी बची हुई है। अब हमारे पूड़ियों के लिए इतने मोइन बहुत ही काफ़ी हो जाएगा, इस तरीके से आप अपने तेल को वेस्ट ना करते हुए इस तरीके से देखिए आटा लगा के इसे पोंछ लीजिए। आप यहाँ पे चाहे तो सूखे आटे का भी यूज कर सकते हो, उसे भी आप इसमें डाल के इसे पोंछ के निकाल सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा इसमें तेल होता है, देखिए कितना ज़्यादा इसमें तेल बना हुआ था। देखिए इसमें हमें अलग से मोइन डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतनी ज़्यादा इसमें तेल ऑलरेडी हो चुकी है, तो है ना एक कमाल के आइडिए। अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नया है तो ज्वाइन भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों मेरी अगली जो टिप्स है वो है इस तरीके से, अक्सर जब भी हम लोग खाना बनाना शुरू करते हैं ना, चाहे पूड़ियाँ हो चाहे रोटियाँ, तो हम लोग को क्या होता है बहुत ही जल्दी जल्दी में, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ही जल्दी होता है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते दोस्तों, आप ना खाना बनाने या तवा गर्म करने या पूड़ियाँ बनाने हैं तो कढ़ाई गर्म करने से पहले ना इस तरीके से आप लोइयाँ काट के रख लीजिए, पेड़े काट के रख लीजिए। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदे होंगे, गैस की बचत होगी, टाइम की बचत होगी और बहुत ही जल्दी आप कर सकोगे। अगर बहुत ही जल्दी में करना है ना तो आप एक दो मिल के कर लीजिए, इस तरीके से गोली कर लीजिए, तो आपका काम बहुत ही ईजी हो जाएगा और फटाफट से आप जो है सारी पूड़ियाँ एक बार में ही तल सकते हो, इससे आपके गैस की भी बचत होती है। तो आज मैं एक ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बता रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला हो, बहुत ही जल्दी आप बिना चकले बेलन के आराम से पूड़ियाँ बेल सकते हो। दोस्तों आपको अगर फटाफट से पूड़ियाँ बेलनी है वो भी बिना चकला बेलन के, तो यहाँ पे एक ट्रिक करना है आपको। यहाँ पे देखिए मैंने ले लिया एक इस तरीके से प्लास्टिक जो होता है, तेल वाले हो गए या फॉर्चून ऑयल वाले हो गए, कोई भी एक ले लीजिए। और दोस्तों इसे ढालने के बाद ना इसमें बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा तेल फिर भी बहुत ज़्यादा बचे हुए होते हैं, तो आपको क्या करना है दोस्तों इस तरीके से इसके पूरे मुँह को कट कर लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों हमें पेड़े पहले से ही गूँथ के रख लेने चाहिए इस तरीके से। अब क्या करना है इस तरीके से जो है ना आप इस पैकेट में डाल दीजिए, एक पेड़े इस तरीके से डाल दीजिए, ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया है। अब क्या करना है दोस्तों एक ऐसे कटोरी लीजिए जिसके तले जो है पूरे प्लेन होने चाहिए, फटाफट से इतनी सुंदर पूड़ियाँ आपकी बन जाएगी आपको यकीन भी नहीं होगा। ये देखिए आप लोग को भी लगेगा कि काश ये हमें पहले पता होता। ये देखिए थोड़ी मोटी लग रही है ना, थोड़ा सा इस पर इस तरीके से आप प्रेस कर दीजिए,
तरीके से दोस्तों आप एक बार में जो है ना दो या तीन चार पूड़ियाँ बना सकते हो। अगर आपको इससे भी इजी करना है ना तो आप क्या कीजिए, इसके मुंह को जो है पूरा दोनों तरफ से कट कर दीजिए कुछ इस तरीके से, इसके आपका और भी इजी हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना, इस तरीके से यहाँ पे एक और पेड़े रख दीजिए, इस तरीके से दो पेड़े रख दीजिए। अब एक बार में ही देखिए दो दो पूड़ियाँ आराम से इस तरीके से आप बेल सकोगे, वो भी बिना चकला बेलन के फटाफट से। आप भी कहेंगे काश ये तरीका हमें पहले क्यों नहीं पता था। ये देखिए दोस्तों कितनी फटाफट से पूड़ियाँ बन रही है ना, आज तक इस आपने इस तरीके की वीडियो नहीं देखे होंगे। और कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिना चकले बेलन के आप बहुत सारी पूड़ियाँ जो है बना सकते हो, आपको अलग से तेल घी कुछ भी नहीं लगाना है, बस इस तरीके से कट करके रख लीजिए। इस तरीके फेंकने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखिए, पैकेट बहुत ही ज़्यादा काम के हैं। कैसा लगा ये आइडिया आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए एक बार में कितनी सारी पूड़ियाँ जो है आराम से हम लोग बेल सकते हैं। इस तरीके से कट कर दिया ना मैंने, तो और भी जल्दी आप इसमें से खोल सकते हो और निकाल सकते हो आप लोग। तो कैसा लगा ये आइडिया आप लोग ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो बना लिया है, अब इसे तलने की बारी आती है। तो तलने टाइम आपको दो तीन बातों का ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत ही अच्छी सी पूड़ियाँ बनेगी और आपका तेल भी कम लगेगा। सबसे पहली बात, तेल जो है ना कच्ची नहीं होनी चाहिए। तो कच्ची और पक्की तेल कैसे पता चलेगी, तो यहाँ पे आपको एक ट्रिक करनी है दोस्तों, आपको तेल को गर्म होने के लिए रख देना है। अगर आपके पास इस तरीके की जो आइसक्रीम के स्टिक है ना वुडन वाले, आप उसको यूज कर लीजिए। आप क्या कीजिए, तेल में इस तरीके से डाल के देखिए। अभी देखिए तेल जो है पूरी तरीके से गर्म हो चुके, क्योंकि इसमें बुलबुले बन रहे हैं। अगर इस तरीके से बुलबुले बनने लगे तो समझिए कि आपके जो है तेल गर्म हो चुके हैं। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप स्पैचुला का यूज कर सकते हो, जो कि वुडन वाले होते हैं। वो भी नहीं तो आप ऐसे भी बिना कुछ किए भी आप चेक कर सकते हो। आपको क्या करना है दोस्त, थोड़ा सा देखिए इसमें ना थोड़ा सा धुआं उठने लगेगा, ज़्यादा गर्म होने से ना तेल थोड़ा सा धुआं उठने लगता है। बस वो समझ उस टाइम जो है आपको इस तरीके से पूड़ियाँ तलने के लिए तेल जो है रेडी है। अगर आप कच्ची तेल में डालते हो ना तो इस तरीके से चिपक जाती है और तेल भी ज़्यादा लगता है। यहाँ पे एक ट्रिक आउट करना है आपको दोस्तों, टाइम ना आप क्या कीजिए इसमें ना थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिए तेल में। इस तरीके से थोड़ा तेल में नमक डाल देंगे ना तो तेल बहुत ही कम लगती है, हमारी पूड़ियाँ जो है बहुत ही अच्छी सी कुरकुरी बनती है। तो इन दो तीन टिप्स का ध्यान रखेंगे ना तो आपकी पूड़ियाँ हमेशा अच्छी बनेगी, कुरकुरी बनेगी और तेल भी कम लगेगा। तो कैसा लगा ये आइडिया आप लोग ज़रूर बताइएगा। आ सकता तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नया है तो ज्वाइन भी जरूर कीजिएगा। देखिए हमारी पूड़ियाँ आपसे बातें करते करते बन गई इसी तरीके से और भी। तो बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि उनके आलू जो है ना बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ऊपर के आलू तो सही रहते हैं बट जो नीचे दब जाते हैं ना वो पिलपिले हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी सड़ने लगते हैं। दोस्तों आज मैं ऐसा तरीका बता रहा हूँ जिससे कि आपको आलू बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसे आप 6 महीने, 10 दिन, 15 दिन, कितना भी दिन तक इस तरीके से रख सकते हैं। आपको क्या करना है दोस्तों, आप रखने से पहले इस तरीके से एक पेपर डाल दीजिए, 2 किलो आलू, 4 किलो, 5 किलो, बड़े ही आराम से काफ़ी ज़्यादा दिनों तक ये सेफ रहेगा। देखिए सबसे पहले बकेट जिस भी चीज़ में रखते हैं ना आप इस तरीके से एक पेपर डाल दीजिए, एंड देन जो है उसके बाद जो है आप इस तरीके से आलू और प्याज दोनों को एक साथ मिक्स करके रखिए। इससे क्या होता है कि हमारे आलू ना ही ख़राब होंगे ना ही प्याज ख़राब होते हैं, काफ़ी ज़्यादा दिनों तक ये सेफ रहते हैं। इस तरीके से रखेंगे तो आपके आलू जो है कभी भी ख़राब नहीं होंगे। तो कैसा लगा ये आइडिया आप लोग ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आए होंगे। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। कौन सी टिप्स आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। कहाँ से आप हमारे चैनल को देख रहे हैं भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।